10,000 का प्रोडक्ट खरीदी किया तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? जीरो हुआ। जैसे एग्जाम्पल, आप जाते हो एक दुकान में, एक टेलीविजन की दुकान में जाते हो, उसको 20,000 रुपए देते हो, टीवी खरीदते हो, तो इन्वेस्टमेंट कितना हो दुकान के अंदर? जीरो। वैसे माइलेज तक में आपने 10,000 रुपए दिया, 10,000 का प्रोडक्ट खरीदा, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? जीरो। मैंने बहुत सारे लोग जो फेल होते हैं माइलाइफ में, एक ही कारण है कि उनको लगता है कि जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है या 5,000 का इन्वेस्टमेंट वाला है, ये बिजनेस उतना दम रखता नहीं, तो इतना ज्यादा सीरियस करने की जरूरत नहीं है। मैं जब ये बिजनेस में आया, मैंने भी 10,000 का परचेज किया, लेकिन मैंने अपने आप से ये कहा कि मैंने 10,000 का परचेज नहीं किया है, मैंने इसमें 10 करोड़ रुपए लगाए हैं। मैंने अपने माइंड को ऐसा बनाया कि ये कहा कि मैंने इसमें 10 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया। मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर कोई बिजनेस अगर आप शुरुआत करो और उसमें ये सोचो कि आपने उसमें 10 करोड़ रुपए लगाया है, तो कितना घंटा काम करोगे दिन में? 1 घंटा समय मिला तो काम करोगे, राइट? 10 करोड़ रुपए लगाकर बिजनेस चालू करोगे और वक्त मिला तो काम करोगे, वरना नहीं करोगे, राइट? ऐसे करोगे? कैसे करोगे? जिस बिजनेस में आपने 10 करोड़ रुपए लगाया है, वो बिजनेस को कितना टाइम दोगे आप? पूरा, मतलब कितना? दोस्तों, 50,000 रुपए का पान का दुकान लगाया वाला रात में सोता नहीं है। आप सोचो, आप 10,000 10 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करोगे तो कैसे काम करोगे? एंड दैट वॉज ओनली द रीजन आई अचीव सक्सेस। मे बी मेरा इन्वेस्टमेंट जीरो ही था, लेकिन मैंने अपने आप को यह कहा कि भैया कमला, तेरा 10,000 का इन्वेस्टमेंट नहीं है, तेरा 10 करोड़ का है। और जब मैंने अपने आप को यह कहा कि 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो उसको बिजनेस को करने का जो सीरियसनेस था वो काफी बढ़ गया। जैसे मैंने बिजनेस चालू किया, लगभग 2-3 महीने में घर ही नहीं गया। आई वॉज जस्ट ट्रैवलिंग, मैं सांगली आया, मैं कोल्हापुर गया, मैं गोवा गया, कंटिन्यूस ट्रैवल करता रहा, कंटिन्यूस ट्रैवल करता, हफ्ते में एक दिन गलती से घर पे जाता था। That I used to do. Why? Because मैंने अपने माइंडसेट को ये बनाया था, भैया 10 करोड़ लगाया है तो 10 करोड़ निकालना ही नहीं निकालना है। शुरुआत किया, उस हिसाब से बिजनेस करता गया, और दोस्तों केवल आप देख सकते हो 32 months में, 32 महीने में मैं इस बिजनेस के अंदर मैं ITC बना। ITC का मतलब है इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर। 32 months मतलब तकरीबन 2.5 साल। 2.5 साल में मेरा इनकम ये बिजनेस से 1.5 करोड़ से ज्यादा हुआ था दोस्तों। सोचो, आज 5 साल के ऊपर हो गए बात अलग है, लेकिन 2.5 साल के अंदर आई अचीव ITC। द रीजन व्हाई आई डिड इट एंड हाउ आई डिड इट, इट वाज ओनली द माइंडसेट। दोस्तों, जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो ये माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। आज जितने भी लोग जिंदगी में कामयाब हुए अपने अपने फील्ड में, उनका माइंडसेट की वजह से है, ना कि इन्वेस्टमेंट्स की वजह से है, ना वो ज्यादा मेहनत करते उसकी वजह से है। अगर आप ये बिजनेस को जोड़ रहे हो आज और ये सोच रहे हो क्या यार, चलिए 5,000 का बिजनेस है, समय मिला तो करूंगा, समय नहीं मिला तो नहीं करूंगा, तो दोस्तों लेट मी टेल यू वन थिंग, आप ये बिजनेस में कामयाब हो सकते हो, लेकिन गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप ये अपने माइंडसेट को बनाओ कि भैया मैंने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, मुझे कामयाब होना ही है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त है क्योंकि इसमें फेल होने का सवाल ही नहीं आता, लॉस होने का सवाल ही नहीं आता। क्यों बताना चाहता हूं मैं कि अगर कोई भी बिजनेस बाहर करते हो, अगर आपने दुकान डाला, होटल डाला या कुछ भी डाला, कोई आपको बाहर का कोई व्यक्ति आके आपको सपोर्ट करता है? कोई फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करते हैं? कोई रिलेटिव्स आपको सपोर्ट करते हैं? कोई आपके पड़ोसी आपके सपोर्ट करते हैं? यहां तक आपकी बीवी सपोर्ट नहीं करती है। सही बात है, गलत बात है? लेकिन ये बिजनेस का खास बात क्या है? जैसे ही आप ये बिजनेस जोड़ते हो, जैसे एग्जाम्पल, कितने लोग यहां पर पहली बार आए हुए हैं? सोचिए, आप यहां पर पहली बार, लोगों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए जो लोग पहली बार आए, ठीक है? देखिए, आप पहली बार आए हो, लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे ही बिजनेस में आप ज्वाइन करोगे, आपके पहले रहेंगे सीनियर जो आपके साथ ये बिजनेस कैसे करना सिखाएंगे, उसके बाद में आपके जो लीडर्स रहेंगे वो यहाँ पे आपको रेगुलर ट्रेनिंग्स देंगे, उसके बाद में ये बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए केवल सांगली के अंदर, मीरज के अंदर ही नहीं, आपको पूरी इंडिया के अंदर सपोर्ट मिलेगा। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। यानी कि अगर मैं कामयाब हुआ हूं, मैंने करोड़ों में पैसा कमाया है, तो मैं बताऊंगा कि भैया मैंने कैसे कमाया, मैंने क्या किया। और मैं केवल मैं ही नहीं, यहाँ पे जुबैर बैठे हुए, यहाँ पे रियाज बैठे हुए, रियाज बैठे हुए, सिद्धार्थ बैठे हुए, ये सारे लीडर्स आपको बताएंगे कि भैया वो लोग जिंदगी में कैसे कर रहे हैं, कैसे कामयाब हो रहे हैं। एंड दिस द बेस्ट पार्ट। आप सोच के देखिए, कोई ऐसा दुनिया में बिजनेस नहीं है जो एक प्लेटफॉर्म पे सारे लोग हैं। मुझे बताइए, आप देख सकते हो रियाज यहां पे बैठे हुए हैं, इनका अगर डिग्री पूछोगे, ही इज अ फार्मासिस्ट, फार्मेसी उन्होंने किया हुआ है। जुबैर बैठे हुए, उनके बाजू में बैठे हुए,
वो टेंथ फेल बैठे हुए, ठीक है, मेरे को डिग्री नहीं कर ली, सोच के देखो दोनों लोग एक प्लेटफॉर्म पे है, एक फार्मासिस्ट भी और एक टेंथ फेल भी, दोनों लोग एक साथ बैठ के बिजनेस कर रहे हैं। बाहर की दुनिया में होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता है। ये बिजनेस का सबसे मेजर एडवांटेज यही है कि आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आपके जेब में पैसा है या नहीं रहे, कोई मायने नहीं रखता है। एक ही चीज मायने रखती है, क्या आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो? Yes! अगर आप करना चाहते हो तो ये प्लेटफॉर्म काफी आपके लिए, बिकॉज क्योंकि यहां पे आपको पूरा एजुकेशन मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हो ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने कभी स्टेज पे बात नहीं किया, जिनको बात करना आता नहीं था, लेकिन यहां पर आने के बाद में यहां पे उनको सिखाया गया, आज वो बहुत पावरफुल स्पीकर्स बने, ट्रेनर्स बने, आज वो बड़े बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ये बिजनेस द बेस्ट पार्ट ऑफ द बिजनेस दैट गेट, इसमें दुनिया के सबसे बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। एक बार अगर आप प्रोडक्ट यूज करोगे, आपको रिजल्ट इसके पता चलेगा कि कैसे काम कर रहे हैं। जो लोग आपको यहां पर बुलाकर लाए हैं उनके पास हंड्रेड्स ऑफ रिजल्ट्स होंगे प्रोडक्ट्स के, जिनको उन्होंने दिया और रिजल्ट्स आए। दूसरी चीज, केवल प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट के साथ में मार्केटिंग प्लान इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त। सोच के देखिए, यू नो दे आर पीपल यहां पे रियाज अगर जाकर जॉब करते हैं, फार्मासिस्ट है एंड ही वॉज डूइंग अ जॉब, रियाज व्हाट वाज योर सैलरी? 20,000 रुपए सैलरी थी रियाज के, ही वॉज अ फार्मासिस्ट। एंड रियाज व्हाट इज द इनकम यू आर मेकिंग पर मंथ नाउ? 1,00,000 रुपए महीने का कमा रहे हैं रियाज। सी इमेजिन, 20,000 रुपए फार्मासिस्ट करने के बाद और महीने का बिजनेस करने के बाद 1,00,000 रुपए, दिस इज द पावर। ये जो शुरुआत है, जब मैंने शुरुआत की थी मेरा भी पहले महीने का चेक 1,000 से 5,000 के बीच में ही हुआ था, ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन मैं बिजनेस को करता गया, 8वें महीने का पहले हफ्ते का चेक था 2,10,000 रुपए। लोग कहते हैं कि बिजनेस कैसे होता है, लोग जुड़ते नहीं है। सी मुझे भी ऐसा लगता था कि लोग जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब मैंने मेरे फ्रेंड्स को बताया कि भैया ये बिजनेस बहुत अच्छा है तुम करो, तो मेरे दोस्तों ने मुझे, उन्होंने तो किया नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे सलाह ये दी कि तेरे पिताजी ने तुझे ग्रेजुएट बनाया है, स्कीम करने के लिए नहीं बनाया, ये स्कीम तू भी छोड़ दे, हमको भी मत बता। ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे मार्केट में जो बाहर जाएंगे, तो ठीक है, केवल जब आप उनको बताओगे, वो तो करने वाले नहीं है, लेकिन आप वो करने के लिए भी क्या कहेंगे, मत कर। एंड दिस इज व्हाट माय फ्रेंड इज टू टेल मी। लेकिन आज दोस्तों मेरे क्लास में जो भी टॉप क्लास में पढ़ते थे, वो लोग जितना साल का कमाते हैं उतना ही महीने का कमाते हैं आज के दिन। बहुत सारे लोग सिंगापुर में है, बहुत सारे लोग अदर कंट्रीज में जाकर उतना नहीं कमा पा रहे जितना मैं यहां पे इंडिया में बैठ के कमा रहा हूं। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द बिजनेस, व्हाट, सबसे बढ़िया क्या है? सी आई टेल यू, ये बिजनेस मुझे बहुत बेहतरीन क्यों लगता है, देखिए डिफरेंस क्या है। आपने देखा है ना, लोग कहते हैं अमीर लोग अमीर ही बनते जाते हैं, गरीब लोग गरीब ही बनते जाते हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसीज ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लोग कहते हैं, नहीं कहते हैं। आपको लगता है क्या किसके वजह से ऐसा होता है, पता है आपको? बताओ, चला डे लो, क्यों अमीर लोग अमीर बनते जाते हैं, गरीब लोग गरीब बनते हैं, बताऊं क्या? yes! नॉर्मली होता क्या, देखिए एक मिडिल क्लास फैमिली है, अभी वो क्या करेंगे, खुद पढ़ाई लिखाई करेंगे, पढ़ाई लिखाई की सब कुछ किया लड़के ने, अभी उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद क्या करेगा वो, उसकी सैलरी आएगी 15,000-20,000-25,000 रुपए, अभी वो सैलरी से वो अपना घर का खर्चा चलाएगा और उनके बच्चे होंगे, तो क्या करेगा, अपना जितना भी इनकम है अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में पढ़ाएगा, राइट? वहां पर इंग्लिश मीडियम स्कूल होगी, बढ़िया स्कूल होगी, जिसका महीने का हजारों का खर्च है, हजारों का खर्च करेगा, अपने ऊपर कुछ खर्चा नहीं करेगा, हस्बैंड वाइफ दोनों, लेकिन पूरा का पूरा बच्चों के एजुकेशन में खर्चा करेगा, राइट? कब तक चलेगा ये? जब तक वो 50 साल के हो जाते हैं और बच्चे कमाने के लायक बन जाते हैं, राइट? उन्होंने जिंदगी शुरुआत की थी जीरो से और वो एक लेवल पहुंच गए हैं, मैनेजर बन गए हैं, अभी उनका रिटायर का समय आया है। अभी ये लड़का जिसके ऊपर इन्होंने अपने सब कुछ लगा दिया कमाई, अभी ये लड़का पढ़ाई लिखाई किया है, अभी ये क्या करने जाएगा, क्या करेगा, नौकरी करेगा, राइट? पढ़ाई लिखाई किया, हो सकता है बड़ी डिग्री लिया, एमबीए किया, फार्मेसी किया, कुछ भी किया, अभी ये क्या करेगा, नौकरी करेगा। नौकरी कैसे करेगा, डैडी ने जहां पर मैनेजर का पोस्ट रिजाइन किया है उसी वही पोस्ट उसको मिलेगा, राइट?
क्या मिलेगा? जीरो। क्या करना पड़ेगा उसको? इंटरव्यू। उसको वापिस से अपनी जिंदगी उसके जैसे पिताजी ने शुरुआत की थी, उसको भी छोटी सी नौकरी से शुरुआत करना पड़ेगा, छोटे से सैलरी से शुरुआत करने का। बराबर है? अभी ये क्या करेगा, ये क्या करेगा? इसके जो पिताजी ने किया वो भी यही करेगा। ये क्या करेगा? ये भी जाएगा, पढ़ा लिखा के नौकरी मिली, जाएगा बेंगलुरु पुणे में सेटल हो जाएगा। थोड़े दिन के बाद आप उसको बुलाओगे, उसकी शादी कर दोगे, उसके बाद हस्बैंड वाइफ दोनों सेटल हो जाएंगे, उनके भी बच्चे होंगे और दोनों मियां बीवी काम करेंगे और किसको पालेंगे? बच्चों को बेटर से बेटर एजुकेशन देंगे। बराबर? और ये भी आगे चलेंगे, ये भी 50-60 साल के हो जाएंगे और रिटायर्ड होंगे और अपने बच्चों को MBA कराएंगे और उनको बोलेंगे तुम जाके भी नौकरी करो। तो नॉर्मली होता क्या है, मिडिल क्लास में प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप जीरो से शुरुआत करते हो, एक लेवल पे एंड होते हो, उसके बाद उनके बच्चे भी जीरो से शुरुआत करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जाके रुकते हैं, उनके बच्चे भी जीरो से शुरुआत करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जाके रुकते हैं, उनके बच्चे भी जीरो से शुरुआत करते हैं, कहीं ना कहीं जाके रुकते हैं। तो ये मुझे बताइए, ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐसा ही चलता रहेगा? इसकी वजह से गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग ज्यादा गरीब होते जाते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा पहले का जो खर्च था वो आज के मुकाबले 20 साल पहले अगर आपके घर में 10,000 रुपए खर्च होते थे तो आज वही घर चलाने के लिए कम से कम 40,000 रुपए चाहिए। मानते हो आप ये चीज, वही लेवल का? तो इन सेम वे, तो ये जब चलता जाएगा तो माय डियर लेट मी टेल यू वन थिंग, एक मिडिल क्लास आदमी जिंदगी भर मिडिल क्लास ही रहेगा, कभी जिंदगी में ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा नीचे ही आ जाए, कभी जिंदगी में ऊपर नहीं जाएगा। मानते हो आप ये चीज? लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं, जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? Yes! आवाज से नहीं लगता, जानना चाहते हो? Yes! अमीर लोग करते क्या? जैसे एग्जांपल, लेट्स से एग्जांपल, मुकेश अंबानी, उनके पिताजी थे धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी ने अपनी जिंदगी कैसे शुरुआत की? करोड़ों का पैसा था उनके पास नहीं था, कैसे शुरुआत की? जीरो से छोटा मोटा कर्ज लेकर उन्होंने क्या किया, एक गारमेंट्स का फैक्ट्री लगाया, गारमेंट का बिजनेस उन्होंने चालू किया। और जब वो इस दुनिया से चले गए वो इंडिया के टॉप 10 में आते थे। कितने में आते थे? टॉप 10 बिजनेसमैन में इंडिया में आते थे जब उन्होंने छोड़ा। और मुकेश अंबानी ने ज्वाइन कब कहां से किया, वापस उसने नई कंपनी चालू की जीरो से, राइट? कहां से शुरुआत किया? कहां से शुरुआत किया? मुकेश अंबानी ने टॉप 10 से शुरुआत किया। और मुकेश अंबानी ने केवल 10 साल के अंदर आज वो जैक मा को बीट कर रहे हैं और एशिया के सबसे अमीर इंसान बन रहे हैं। See this, this is what अमीर लोग करते हैं। और मुकेश अंबानी का बेटा वो जियो ने, जियो लेके आया, जियो मोबाइल फोन उसका इन्वेंशन है, उसका बिजनेस है। अभी मुकेश अंबानी का जो बेटा है वो कहां से शुरुआत कर रहा है अपनी जिंदगी? टॉप वन, एशिया के नंबर वन इंसान से शुरुआत कर रहा है। और मुझे बताइए 15-20 साल के बाद वो कहां पे रहेगा? दुनिया का अमीर इंसान जरूर रहेगा, वो सवाल ही नहीं आता है। अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ रिच पीपल प्लान करते हैं अपनी जिंदगी, और मिडिल क्लास लोग उस प्रकार से करते हैं। दोस्तों, जब मैंने इसको स्टडी किया, रॉबर्ट कियोसाकी का ये कहना है जो मैंने आपको बताया, जब मैंने स्टडी किया तो मैंने भी चाहता था कि मेरे पिताजी ने जो गलतियां की मैं नहीं करना चाहता था, मैं चाहता था कि चक्रों से बाहर निकलूं और मैं अमीर इंसान बनूं और जब मैं रिटायर करूं मेरा बेटा वहां से शुरुआत करे, ये मेरे दिमाग में था। See, this is how I started। और दोस्तों आज आपने देखा मैं ITC हूं, राइट? मुझे मोमेंटो दिया स्टेज पे, दिया कि नहीं दिया? अभी yes. दिया yes. सिर्फ मुझे नहीं दिया, मेरे बेटे को और मेरी बेटी को भी दिया। I tell you, मेरा ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम ये है कि 10 साल के बाद सी मे बी लाइक आने वाले, मेरा ड्रीम ये है कि इस साल में डायमंड बनने का टारगेट है 2019 दिसंबर तक, और 2022 का टारगेट मैंने रखा है कि क्राउन एम्बेसडर बनना है, क्राउन एम्बेसडर, जो मैंने ड्रीम रखा है कि 2022 तक मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है। यू नो डायमंड का इनकम तकरीबन 50 लाख रुपए रहता है और क्राउन डायमंड का जो इनकम रहता है लगभग 4-5 करोड़ रहता है, ठीक है? मेरा ड्रीम है कि 2022 में उसको अचीव करना है और मैंने ये रखा है। देखिए कितने लोग अपने बेटियों को जब शादी करते हैं तो कुछ ना कुछ देखे करते हैं ना, मैं चाहता हूं कि मैं जहां ऐसा हो मेरी बेटी का, तो मैं उसको मेरा क्राउन एम्बेसडर का ID गिफ्ट दे दूं। सोचो जरा,
See, this is how you need to think. दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में भी है, ये मौका आपके हाथ में भी है, ये आप भी कर सकते हो. लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है पता है, एक चीज होनी चाहिए, आपके सपने होने चाहिए. आपके सपने हैं? कितने लोगों के पास कार नहीं है? कार नहीं है. कितने लोग चाहते हैं कि आपके पास कार आए? मुझे बताइए आपकी उम्र आज लगभग, यहां पे जो लोगों ने हाथ उठाया उनके लगभग 40 साल की उम्र है. मैं एवरेज देख रहा हूं, देखिए मेरी 35 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, लेकिन एवरेज 40 साल की है. सोच के देखिए, जो बिजनेस अभी तक आप करते आए हो, जो जॉब आप करते आए हो, 40 साल की उम्र में अभी तक आपने अगर गाड़ी नहीं खरीदी, अगर वही करते जाओगे तो गाड़ी कब आएगी? अपने आप से प्रश्न कर. मैं ये नहीं कह रहा कि आपका जॉब छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा कि अपना बिजनेस छोड़ दो, लेकिन जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, उसके साथ माई लाइफ का बिजनेस ऐड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? दोस्तों हमारा मिडिल क्लास लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? क्या है पता है? अगर जब भी उनको एक मौका मिलता है पैसा कमाने का, ये अपॉर्चुनिटी आती है, तो बोलते मैं जॉब कर रहा हूं ना, मैं बिजनेस कर रहा हूं ना, मेरे को जरूरत क्या है? मेरा एक बिजनेस है, मेरा एक जॉब है, उधर से पैसा आता है, मुझे जरूरत नहीं है. दोस्तों नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी यही सोचता है कि एक बिजनेस कर रहा हूं या एक जॉब कर रहा हूं, मेरे घर में पैसा आ रहा है, दूसरे की जरूरत नहीं है. लेकिन दोस्तों दुनिया के अमीर लोग इस प्रकार से नहीं सोचते. रतन टाटा, यू नो, जो जैगवार नीचे मेरी खड़ी है, वो भी बेचते हैं 1 करोड़ की, 5 करोड़ की जैगवार भी बेचते हैं, 5 रुपए का नमक भी बेचते हैं. सोच के देखिए, अमीर लोग हर प्रकार का बिजनेस करते हैं, और मिडिल क्लास लोगों को क्या लगता है पता है? मैं प्रोडक्ट बेचने का, 500 रुपए का प्रोडक्ट बेचने का. अरे मैं कहता हूं कि भैया तुम्हारे जेब में पैसा कितना है, तुम्हारे लाइफ क्या है? जब रतन टाटा, मुकेश अंबानी, वो लोग शर्माते नहीं है, तो भैया अगर आप शर्माते हो तो क्यों शर्माते हो? भैया कितना है पैसा आपके पास? See, you need to think about this very seriously. अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दोस्तों एक चीज है, निर्णय लेना जरूरी है आगे बढ़ने का. क्योंकि निर्णय जब लेते हो ना, तभी आगे बढ़ते हो. आप अगर आज इस हॉल में बैठे हो, 1 घंटे से बैठे हो, 2 घंटे से बैठे हो, अपने आप से प्रश्न पूछो कि जो जिंदगी में जीते आ रहा हूं, यहां तक मैं आया हूं, अगर मैं यही करता जाऊंगा तो हो सकता है 19-20 आगे चले जाए. लेकिन दोस्तों जिंदगी में कहीं ना कहीं ऐसा बड़ा निर्णय लेना पड़ता है, जहां पे अगर आपने निर्णय लिया तो हो सकता है आपकी जिंदगी बहुत बड़े ऊंचाई तक पहुंचे. 5 साल पहले जब मैंने माई लाइफ की शुरुआत की, I never thought in my life, कभी सोचा भी नहीं था कि जैगवार जैसी गाड़ी खरीदूंगा. I never thought, कभी सोचा नहीं था कि बेलगाम का सबसे प्रीमियम एरिया में घर खरीदूंगा. कभी सोचा नहीं था, कभी यह नहीं सोचा था कि महीने का 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आएगा, यह भी नहीं सोचा था. माय डिफेंड आज इतना ही नहीं है, इंडिया में आज काफी सारे लोग हैं, कंपनी का एक एजुकेशन सिस्टम है जिसको कहते हैं हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी. दोस्तों इंडिया में 10 लोगों को कंपनी ने चूज किया है, उसका डायरेक्टर बनाया हुआ है, और दोस्तों आज मैं नेशनल कोर कमिटी मेंबर हूं उसी हार्वेस्ट का. दोस्तों सपने देखो, इतने बड़े सपने देखो कि भैया आपको डर लगना चाहिए कि भैया मैं इतना बड़ा सपना देख रहा हूं, हो सकता है कि नहीं हो सकता. मैंने जब यह गाड़ी खरीदी, मैंने नया ड्रीम सेट किया, 26 अप्रैल 2021 को 4 करोड़ के रोल्स रॉयस खरीदूंगा. क्यों नहीं खरीद सकते? आपको क्या लगता है गाड़ियां किसके लिए बनी है? हमारे लिए. किसके लिए बनी है? किसके लिए? देखो बोलने के लिए डर लगता है. किसके लिए बनी है? हमारे लिए. मेरे लिए बोलो, किसके लिए बनी है? मेरे लिए बनी है. ये सोच आपकी होनी चाहिए. जब आपकी ये सोच होगी तभी कुछ ना कुछ आइडियाज मिलेंगे, बराबर. आप अगर जब छोटा सोचोगे, आइडिया कैसे आएंगे? छोटे. देखो आप बचाने का जब सोचते हो ना, चिल्लर बचाने का, तो आइडिया भी बचाने के आते हैं. कैसा, यू नो, कुछ लोग पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं, वो पार्किंग वाले को 10 रुपए क्यों ना दूं? उसको पार्किंग वाला आता रहता है, उसको 10 रुपए नहीं देके जेब में पीछे से निकलने की कोशिश करते हैं. मतलब 10 रुपए बचाने की कोशिश की तो 10 रुपए का आइडिया मिला. करोड़ों रुपए कमाने का सोचोगे तो करोड़ों रुपए के आइडिया भी जरूर आएंगे. See, this is what I believe personally. तो यहां पे जितने भी लोग आप आए हुए हो, यू नो, ध्यान रखिएगा, इतनी देर आप बैठे, ये सारा चीज देखा,
देखने के बाद में एक चीज आती है निर्णय। और दोस्तों लेट मी टेल यू, मिडिल क्लास लोग निर्णय लेने में बहुत कमजोर होते हैं, आपको पता है, बहुत कमजोर होते हैं। 80% जितने मिडिल क्लास लोग होते हैं वो खुद का निर्णय कभी लेते ही नहीं है। वो किसको पूछते बताए? मुझे पता है, यहां पर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा क्या करेंगे, पहले जाके अपने बाजू वाले को पूछेंगे कि भैया ये बिजनेस मैंने देख के आया है, ये करूं या ना करूं। आपको क्या लगता है, आपका बाजू वाला अगर इतना इंटेलिजेंट होता तो आपके बाजू में रहता था वो? सोचो जरा, वो आपके बाजू में नहीं रहता था, मुकेश अंबानी के बाजू में रहता था, बराबर के नहीं है? तो दोस्तों उससे ज्यादा इंटेलिजेंट आप हो, आपको बाजू वाले को पूछने की जरूरत नहीं है। दोस्तों निर्णय आपको लेना है। दोस्तों आपने बिजनेस देखा, लेडीज आपने देखा है, आप अपने जाके हस्बैंड को मत पूछिए कि करूं या ना करूं, वो क्या डिसीजन देंगे, उनको क्या पता चलेगा। आप यहां पर 2 घंटा बैठ के बिजनेस समझे हो तो आप जाकर अगर उनको बताओगे तो क्या बता पाओगे? सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं, कितने लोग मूवीज देखते हैं, पिक्चर देखते हैं? ठीक है, समझ लो आपने लेटेस्ट पिक्चर कोई देखा था, आपने मूवी कौन सा देखा था? लेटेस्ट है, ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम, ठीक है नो प्रॉब्लम, आपने देखा, आप लेटेस्ट मूवी देखा। अभी आपने अगर कोई व्यक्ति आपको पूछता है, आपने 3 घंटा देखा, अगर कोई बोलता है पिक्चर दिखा, कितना देर दिखाओगे आप उसको, कितनी देर में समझाओगे पिक्चर, कितना घंटा देखा? 3 घंटा देखा, 10 मिनट में समझाओगे तो आपको लगता है सर पिक्चर देखेगा क्या? दोस्तों दिस इज द मेजर प्रॉब्लम, यानी कि आपको उस मूवी वाले ने समझाने के लिए 3 घंटा दिखाया, वो स्टोरी समझाने के लिए, और आपने जाकर उसको 10 मिनट पोस्टमार्टम कर दिया। इन सेम लोग गलती क्या करते हैं, माई लाइफ का गलती यही करते हैं, इधर से सब कुछ सुनते हैं 2-3 घंटा और जाकर क्या बोलते हैं, ए बहुत अच्छा कंपनी है, 4-5 हजार का प्रोडक्ट खरीदना है, उसके बाद में 2 मेंबर बनाना है, बिजनेस चालू हो जाता है, 2,10,000 रुपए घर पे आता है। अभी इतना होता तो इतना बड़ा प्रोग्राम कर देते, मैं बेलगाम से जैकपॉट लेकर इधर आता था क्या? आपको टेलीफोन में बात कर सकता था कि नहीं, जिसने आपको बुलाया, यस और नो? दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये माइंडसेट का बिजनेस है। यहां पर आप 2 घंटे में हमने ये कोशिश की कि आपके माइंड को एक कंसीव कराए कि भैया हो सकता है कि आप मिडिल क्लास परिवार में जन्म लिए हो सकता है आपकी इनकम ज्यादा ना हो, लेकिन हमने ये आप बताने की कोशिश की कि भैया आप मिडिल क्लास से हो तो क्या हुआ, आने वाले 5 साल के अंदर जो एरिया में आप रहते हो उस एरिया के सबसे अमीर इंसान आप बन सकते हो। अगर आपको ये समझ में आ गया तो दोस्तों आज का प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया। कितने लोगों को लगता है कि आप अमीर इंसान बन सकते हो? गुड, यही आज का उद्देश्य ये था कि प्रोग्राम करने का कि आप अमीर बन सकते हो। एंड दैट्स व्हाट आई टेल यू कि माय डियर, जब भी मैं प्रोग्राम करता हूं, जब भी मैं ट्रेनिंग्स करता हूं, मैं हर एक को यही बताता हूं, भैया आपके अंदर सारी क्षमताएं हैं, ताकत है, जो भी चाहिए वो सब कुछ आपके अंदर है, लेकिन आपको अपने आप में विश्वास करना है कि मैं अमीर बन सकता हूं। दैट्स इट। अगर जिस दिन आपने ये कर लिया दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको अमीर बनने से रोक सकती है। तो दोस्तों सबसे पहला काम, निर्णय आपका लो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, यहां पर जो बताया समझ में अगर नहीं आया है, तो जिसने आपको बुलाया है उनके साथ ये प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद एक 10 मिनट बैठिएगा, डिस्कस कीजिए। अगर वो सही तरीके से आपको बता नहीं सकते, उनके सीनियर के साथ बैठिएगा, बिकॉज उनके दोस्तों मेरे हिसाब से मेरा जो सांगली में लाखों लोग रहते हैं, राइट? और मैं एक चीज का मानता हूं, मैं इस कायनात के अंदर अगर एक पत्ता भी हिलता है तो ऊपर वाले की इजाजत के बगैर नहीं हिलता है। कितने लोग इसके ऊपर विश्वास करते हो? ठीक है, तो मुझे बताइए, एक पत्ता भी अगर ऊपर वाले की इजाजत के बगैर नहीं हिलता है तो आप यहां पे कैसे आए हो? लाखों लोगों के अंदर आप ही यहां पे 200-300 लोग आए हो। तो दोस्तों आपको उसने खुद यहां पर भेजा हुआ है, क्योंकि आपके अच्छे दिन आने हैं, इसीलिए भेजा है। आपके अच्छे दिन आने चाहिए, इसीलिए भेजा है। दोस्तों ऐसे नहीं आते अच्छे दिन, करने के बाद ही आता है।
सोचते बैठोगे आएंगे, होने वाला नहीं है, आगे बढ़ के कुछ करोगे तभी अच्छे दिन होते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू दोस्तों, जिसने बुलाया उनका बैठिएगा, डिस्कस कीजिएगा, एक पॉजिटिव निर्णय लेके बिजनेस की शुरुआत कीजिएगा। सारे यहाँ पे जितने भी लीडर्स आए थे, ये सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, सारे लोग गाइड करेंगे, सारे लोग असिस्ट करेंगे। और दोस्तों आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट इंटायर सांगली टीम, इंटायर मिरज का टीम, इंटायर कोल्हापुर का टीम, और कहाँ कहाँ है पता नहीं मुझे, लेकिन जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है आप कमिटेडली काम कर रहे हो। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, यही कमिटमेंट के साथ 5 साल लगिएगा, हो सके जब हम अगली बार प्रोग्राम करें 5 साल के बाद कम से कम 15-20 जैगुआर पार्क होंगे यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए, जोरदार ताली होनी चाहिए आपको, जोरदार ताली, जोरदार ताली होनी चाहिए। तो आज का प्रोग्राम यहीं पे एंड होता है, और जिन्होंने आज हमें इतना सपोर्ट किया है, सारे मैडम और जो अपने साउंड सिस्टम वाले, इनका एक सत्कार होने चाहिए आपको लगता है, तो स्टेज पे आ जाइए सुप्रीम सर, पूनम मैडम एंड रिजवाना मैडम। तो आज अपने समीर चीफ गेस्ट है, कमरा सर गेस्ट है, इनका रिकॉग्नाइजेशन करेंगे।